हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज के वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगी एमपी मध्य प्रदेश व्यापम रिक्रूटमेंट प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड का जो नोटिफिकेशन आया उसके बारे में। एमपी पीईबी प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का फॉर्म फिर से रीओपन हुआ है। अगर आप लास्ट ईयर नहीं फिल कर पाए थे तो आप इस ईयर अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म की जो लिंक है वो 14 दिसंबर को ओपन होगी। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 28 दिसंबर है। एग्ज़ाम फीस पे करने की लास्ट डेट भी 28 दिसंबर है। अगर आपके फॉर्म भरते समय कोई भी मिस्टेक हो जाती हो तो आप करेक्शन 2 जनवरी तक कर सकते हैं। एक्सपेक्टेड जो एग्ज़ाम डेट है वो मार्च 22 बताई जा रही है और जो एडमिट कार्ड है वो 15 डेज पहले रिलीज होगा। एप्लीकेशन फीस के बारे में डिस्कस करते हैं। जनरल और अदर स्टेट के जो कैंडिडेट्स हैं उनको 600 रुपीज़ पे करना है। रिजर्व कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स को 300 रुपीज़ पे करना है। पोर्टल चार्जेस 60 रुपीज़ है। करेक्शन चार्जेस 70 रुपीज़ हैं। और आप एप्लीकेशन फॉर्म की फीस एमपी ऑनलाइन कियोस्क या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग से फिल कर सकते हो। अब एमपी प्राइमरी टीईटी एग्जाम 2020-21 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? जो पुराने कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने फॉर्म भर चुके हैं उनको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जो न्यू कैंडिडेट्स हैं अगर वो एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो उनके लिए कुछ असेंशियल क्वालिफिकेशन है। 12th पास प्लस उनके पास एलिमेंट्री डिग्री इन एजुकेशन होना ज़रूरी है। अगर आप ग्रेजुएटेड हैं तो ग्रेजुएशन के साथ आपका बीएड होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास बीएड की डिग्री नहीं है तो एलिमेंट्री एजुकेशन के डिप्लोमा कोर्स के बेस पर भी आप प्राइमरी टीचर की एप्लीकेशन फॉर्म के लिए एलिजिबल हो। आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हो। हाउ टू फिल मध्य प्रदेश एमपी प्राइमरी टीईटी ऑनलाइन फॉर्म, चलिए इसके बारे में डिस्कस करते हैं। मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड ने एप्लीकेशन फॉर्म रीओपन किया है जिसकी लिंक 14 दिसंबर से 28 दिसंबर तक एक्टिव रहेगी। आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने के पहले नोटिफिकेशन को पूरा रीड करना है। आपको अपने सारे डॉक्यूमेंट्स चेक करना है। आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद स्कैंड फॉर्म में होना चाहिए क्योंकि हमको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना पड़ेगा, लाइक फोटो, साइन, आईडी प्रूफ। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के पहले आपको प्रीव्यू चेक करना है, कुछ मिस्टेक तो नहीं है। उसके बाद आपको एप्लीकेशन फीस सबमिट करनी है, देन आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हो। तो चलिए, ये तो एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। अब हम एमपी प्राइमरी टीचर के लिए जो सिलेबस है, जो एग्ज़ाम कंडक्ट होने वाला है उसके सिलेबस के बारे में डिस्कस करते हैं। तो शिक्षक प्राथमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा 2020 हेतु परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा वो 150 मार्क्स का होगा। उसमें सारे एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे जिसके चार ऑप्शंस होंगे और आपको एक सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। इस एग्ज़ाम में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सही आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा और रॉन्ग आंसर के लिए आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। तो बेसिकली हमारा जो पेपर कंडक्ट होने वाला है वो 5 सेक्शंस में डिवाइडेड है। फर्स्ट है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी, सेकेंड है लैंग्वेज 1, आइदर इट्स कैन बी हिंदी और इंग्लिश, लैंग्वेज 2 हिंदी और इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज एक्सेट्रा। तो चलिए, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉजी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। टोटल क्वेश्चन आएंगे आपके 15। ठीक है, तो इसमें पहला चैप्टर है बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या संबंध है, विकास और विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं, बाल विकास के सिद्धांत क्या हैं, बालकों को मानसिक स्वास्थ्य एवं व्यवहार संबंधी कौन कौन सी समस्याएं आ सकती हैं, वंशानुक्रम एवं वातावरण का प्रभाव, समाजीकरण प्रक्रिया है, और बहुत सारे चैप्टर्स हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागॉजी में आते हैं। मैं आपको इसका सिलेबस की लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से जाकर अपना सिलेबस डाउनलोड कर सकते हो। सेकेंड है समावेशित शिक्षा की अवधारणा एवं विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की समझ। थर्ड है अधिगम और शिक्षा शास्त्र, मतलब पेडागॉजी से टोटल आपको 30 क्वेश्चन आएंगे जो कि डिवाइडेड है 15 क्वेश्चन कैसे आएंगे 5 और 10। ठीक है, सेकंड आपका सब्जेक्ट है हिंदी लैंग्वेज। हिंदी लैंग्वेज में आपको क्या आएगा, गद्यांश आएंगे, स्टोरीज आएंगी, आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको आंसर करना है। भाषा विकास से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे, सुनना, बोलना, पढ़ना, ग्रामर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आएंगे जो आपको करेक्ट करके लिखना होगा। नेक्स्ट सेक्शन है इंग्लिश लैंग्वेज, इसमें अनसीन पैसेज, प्रोज,
वगैरह आएंगी, लर्निंग एंड एक्विजिशन ऑफ लैंग्वेज, लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आएंगे, रेमेडियल टीचिंग हुई, इवेल्युएशन हुआ, और कुछ इंग्लिश ग्रामर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट सेक्शन है आपका, अगर आपकी लैंग्वेज उर्दू है तो आप उर्दू को सिलेक्ट करेंगे। जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो उसमें ऑप्शंस आएंगे कि आपको प्राइमरी लैंग्वेज क्या डालना है, सेकेंडरी लैंग्वेज क्या डालना है। उसके बाद आपका आएगा मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स में भी सेम क्वेश्चंस होंगे। मैथमेटिक्स चूंकि हम प्राइमरी टीचर के लिए एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे हैं तो बहुत ही इजी मैथमेटिक्स आने वाला है, लाइक एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, वन डिजिट, टू डिजिट को मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लेस वैल्यूज वाले क्वेश्चंस होंगे, कुछ क्वेश्चन मेजरेशंस के होंगे, कुछ ज्योमेट्री के होंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्रीज के होंगे, सर्कल्स रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, कुछ ट्राइंगल, रेक्टेंगल, स्क्वेयर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे, 3D, 2D, सिमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन होंगे। और उसके बाद मैथ्स में जो पेडागोजिकल इशूज आते हैं वो उसमें से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद लास्ट सेक्शन आता है एनवायरमेंटल स्टडीज। एनवायरमेंटल स्टडीज में भी बेसिक क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय एनवायरमेंट, एनवायरमेंट में हैबिटाट आता है, एनिमल्स, फॉरेस्ट, ग्रीनरीज, स्पोर्ट्स एंड वर्क, हैबिटाट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन हैं, हम आसपास जो चीज़ देखते हैं, मतलब फर्स्ट क्लास से फिफ्थ क्लास तक ईवीएस में का जो सिलेबस है वही सिलेबस आने वाला है। फिर एनवायरमेंटल पेडागोजिकल से रिलेटेड जो भी इश्यूज आते हैं उसमें से कुछ क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, तो ये सिलेबस था, मैंने आपको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, तो आप वहाँ से सिलेबस को डाउनलोड कर लीजिएगा। आई होप आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पार्ट अच्छा लगा होगा। मैं लिंक और MPEB की जो वेबसाइट है उसकी लिंक प्लस सिलेबस की लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो आप वहां से अपना सिलेबस और वेबसाइट को ओपन करके देख लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन पढ़ लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, एंड अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा कि MPEB प्राइमरी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम का एप्लीकेशन फॉर्म आ गया है। थैंक यू, बाय बाय।